हेलो व्हाट्स अपने गाइस, पेग हियर। और इस वाले एपिसोड में आप देख सकते हो कि लास्ट एपिसोड में मैंने मेरा पूरा का पूरा घर तोड़ दिया था और यहाँ पे एक क्रीपर आके अभी अभी ब्लास्ट हुआ है, वरना मैं अभी कर देता। और ये देखो जितनी भी मेरी चीज़ें हैं हर एक चीज़ को क्रीपर ने तोड़ डाला। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता या फिर कुछ कर भी नहीं सकता। तो पहले हम यहाँ पे एक ये और एक चेस्ट लगा देते हैं जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को स्टोर कर देंगे, क्योंकि यार अपने पास स्टोरेज के लिए स्पेस नहीं है, ऐसा नहीं है। पर यार इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लेके घूमना ना पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार इतनी सारी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को एक जगह पे अगर मैं रख दूँ तो वो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी करो। तो इस वाले एपिसोड में मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें मैं अपना पूरा का पूरा सर्वाइवल बेस हाउस, आप कुछ भी बोलो, मैं बना लूँगा। एक मिनट, पहले हम सारी चीज़ों को एक साथ रखते हैं। ये यहाँ पे इसे चेंज कर दिया, सब ठीक है, सारी चीज़ें हैं ना। हाँ, मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं, पर वो चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी शाम होने को आई है क्या, मतलब क्या हम सो सकते हैं अभी? पता नहीं है, पहले देखते हैं। ओके, ओ भाई, हाँ 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 यू कैन स्लीप ओनली एट नाइट। ओ, ये रात नहीं है, तो पहले हम इस चीज़ को तोड़ लेते हैं। हम आप देख सकते हैं इसमें अनब्रेकिंग और मेंडिंग लगी हुई है, तो इससे अगर मैं कुछ भी तोड़ूंगा तो वो मुझे कलेक्ट हो जाएगा। और लास्ट एपिसोड में मैंने जब अपना घर जलाया था ना, उसके बाद मेरा ये आर्मर स्टैंड भी जल गया, एक आर्मर स्टैंड बचा था, तो ये वो वाला आर्मर स्टैंड है। और बाकी का आर्मर स्टैंड सारे जल गए और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ है। चीज़ें तो हमारे पास काफ़ी है, तो पहले मैं ना मेरे पास जो सुपर पावरफुल बो था जो मैंने सेटन से बनाया था उसे मैं पहले ले आता हूँ। एक मिनट आप रुको, मेरे पास एक सुपर पावरफुल जैगेंटी मैक्स जाइन ऑन में से, हाँ ये रहा, इसमें अनब्रेकिंग पावर एफिशिएंसी और मैंडिंग लगा हुआ है। ये इससे अगर मैं ना पंच या फिर ऐसा कुछ लगा हुआ है तो छोड़ो, इससे अगर मैं मारूँ ना, ये देखो, नहीं नहीं सॉरी सर, मुझे एक एरो चाहिए होगा इसमें, क्योंकि इन्फिनिटी है तो इसलिए इसमें अगर मैं एक एरो से भी मारूँ, एक और एरो भी अगर मैं लेके जाऊँ वो अनलिमिटेड एरो बन जाएगा। तो मुझे एक एरो अपने साथ हमेशा रखना होगा। और अभी अभी पीछे क्रीपर फूट चुका है, तो पहले मैं इसको टारगेट करता हूँ। बूम, ये देखो, बूम, ये भी मारा और तू भी मर गधे, आजा। देख सकते हो इसमें से मुझे कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं, पर ये सारी चीज़ें मेरे बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। पर मैं इनसे ना एक लेदर आर्मर बना ही सकता हूँ। तो इस वाले एपिसोड में हम कोई लेदर का आर्मर नहीं बनाने वाले। इस वाले एपिसोड में हम जो बनाने वाले हैं वो है हमारा प्यारा सा घर। तो उस घर को बनाने के लिए मुझे ये सब चीज़ें तोड़ना तो चाहिए, पर मैं इनको तोड़ के रख नहीं सकता। तो जब तक मैं अपना घर बनाऊंगा तब तक उन चीज़ों को मुझे यहीं पर रखना होगा या फिर मेरे इन्वेंटरी में रखना होगा। तो पहले हम अपना घर बनाने के लिए बहुत सारे स्टोन, स्टोन ब्रिक्स, वुड स्टैंड और कोबल स्टोन हमारे पास है, तो इन सब को हम लेंगे और अपना घर बनाने के लिए शुरू हो जाएंगे। मेरे पास कुछ स्मूथ स्टोन भी थे ना, शायद मैं देखता हूँ, मेरे पास कुछ स्मूथ स्टोन होने चाहिए थे। हाँ, ये मेरे पास कुछ स्मूथ स्टोन भी है और इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो अब हम हमारे पास कुछ स्मूथ स्टोन है, एक डायमंड पिकैक्स है। तो यार काम को पहले हम शुरू करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ पे काम जाके खत्म होता है या फिर कुछ भी होता है। इसे तोड़ दिया, इसको उठा लो, मुझे ना इसमें एक वो भी लगाना चाहिए था। एक मिनट, हाँ, तो पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, इतना हुआ। इसके बाद पाँच ब्लॉक का गैप, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और यहाँ पे हमारे स्टेयर्स लगेंगे। तो पहले हम जाके सो जाते हैं, क्योंकि यार रात में जाग के काम करना उतना अच्छा नहीं होता। तो पहले हम जाके सो जाएंगे, उसके बाद जब हम उठेंगे ना आपको दिखाता हूँ। ओ नहीं नहीं अभी सुबह नहीं हुई है, पहले सो जाओ भाई, सो जाओ। ओ भाई सुबह हो चुकी है, दिख तो नहीं रहा, वेदर बहुत ख़राब चल रहा है यार यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे जाएंगे, तो जैसा कि मैंने कहा था, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और पाँच के बाद पाँच नहीं, असल में मुझे इसे तोड़ना होगा और ये शायद कलेक्ट नहीं होगा, मुझे पता है। वो नहीं, कलेक्ट हो गया, मुझे लगा नहीं था कलेक्ट हो जाएगा। तो एक, दो, तीन, चार, और यहाँ से हमें इसको पूरी तरह से कवर करना होगा। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तीन, और इसे भी एक, दो, तीन, ऐसे करके हमें इसको कवर करना होगा। और इस तरफ हमें कुछ ये लगाने होंगे कॉबलस्टोन के स्टेयर्स। कॉबलस्टोन कुछ हैं तो नहीं ना भाई? हाँ हाँ, तो भाई हमें यहाँ पे लगाना होगा कॉबलस्टोन के स्टेयर्स। और मुझे इस फर्नेस को तोड़ना होगा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फर्नेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी पर ठीक ठाक ही है, तो हमें यहाँ पे तीन लगाने होंगे, एक, दो, तीन। अब मुझे इस तरफ आके इसको भी तोड़ना होगा। इसे नॉर्मली हाथों से तोड़ते हैं क्योंकि ये कड़क नहीं होगा, तो इसे भी हमें तोड़ना होगा। इसे तोड़ने के बाद हमें पीछे आके इसे ऐसे लगाना होगा, बिल्कुल ऐसे। यार अगर आपको नहीं पता कि मैं कैसा घर बना रहा हूँ, आपने ज़रूर माइनक्राफ्ट का SMP हीरो ब्रांड SMP के एपिसोड्स आप देखते होंगे, टेक्नो गेमर, उज्जवल चौरसिया, उन सब के। तो वो सब जैसे उनमें अज्जू भाई ने जैसे घर बनाया था ना माइनक्राफ्ट में, मैं बिल्कुल वैसे ही घर बनाऊंगा, क्योंकि यार उसमें हमें स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है। और वो घर मैंने एक बार बना भी मैं चुका हूँ। तो एक हो गया, दो हो गया, दो ब्लॉक्स हो चुके हैं हमारे पास, एक, दो और तीन। और यहाँ पे हमें एक ब्लॉक और हाइट का बनाना होगा, उससे हम अपना काम हो जाएगा। क्या एक ब्लॉक हाइट का अगर आपने अपने सॉरी हमने बना दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, तोड़ दो भाई से। हाँ, तो यहाँ पे हमें एक ब्लॉक और बनाना होगा, एक ब्लॉक बना दिया। पर मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अगर मैं कुछ अपना कुछ ऐड करूँ, अपने से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, तो वो शायद दिखने में अच्छी लगेंगी। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें सोच के रखी है मैंने, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। अरे यार, एक, दो, तीन। हाँ, तो आप अपने घर का अपने घर के स्टेज बन चुके हैं और इतना सारा काम भी अपने घर का हो चुका है। तो इसको होने के बाद ना मैंने जो चीज़ सोची है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं इतना काम करूँगा, इस तरह से घोड़ों को, मेरा जो एक घोड़ा है ना उसको रखने के लिए मैं एक स्टेबल बनाऊंगा, एक अच्छी सी जगह बनाऊंगा मैं। हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि मैं मेरे घोड़ों को रखने के लिए एक अच्छी सी जगह मैं इस तरफ बनाऊंगा, और ऊपर की तरफ एक घर होगा और फार्म का एरिया ना इस तरफ बस स्टोरेज होगा, और इस तरफ मेरे फार्मिंग का एरिया होगा। और ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये नहीं रहेगा, पर इस तरफ मैं अपना फार्मिंग बनाऊंगा, तो इस तरफ मैं ज़्यादा करूंगा नहीं। तो पहले हम यहाँ पे भी एक, दो, तीन, चार करके उठ जाते हैं। पहले एक, दो, तीन, चार,
और इस तरफ जब हम उड़ चुके हैं तो अब अपने को इस तरफ को कवर कर देना होगा जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचते। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस। और हम अब हमें इस तरफ भी कवर करना होगा, तो इस तरफ भी कवर कर देते हैं। 1 मिनट, 1 2 3 4, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये देख सकते हो। और मैं ना कुछ सोचा है, मैंने और भी कुछ सोचा है कि मैं इस तरफ को थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास एक आयरन का एक्स है, तो एक्स को हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसे यहाँ पे रख देते हैं। मुझे इसे फायर प्रूफ वुड से बनाना चाहिए था, पर ठीक ठाक ही है, तकलीफ नहीं। अगर मुझे ऐसा हुआ तो मुझे मेरे इसको हटाना पड़ेगा, और वो मैं चाहूँगा नहीं, पर ठीक ठाक ही है, हटा हम सकते हैं, हटा देंगे इसे। मेरे मतलब मेरे पुराने वाले एक्सपी फार्म को ही मुझे रखना होगा, इस एक्सपी फार्म को मुझे तोड़ देना होगा। 1 2 3 4, इस तरफ भी, और कुछ, दो ब्लॉक्स बढ़ा दिए, हाँ, और इतना शायद मुझे लगता है काफ़ी होगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि इतना, इतनी जगह काफ़ी नहीं रहेगी, हमें और कुछ जगह चाहिए होगा। 1 2 3 4, हाँ, इतना जगह ठीक है। तो अब हमें इस तरफ आना होगा और इस तरफ इसे देना होगा, तो मुझे इसको तोड़ना होगा, और इससे भी मुझे तोड़ना होगा क्योंकि ये मेरे घर का लुक खराब कर रहा है, तो मुझे इसे तोड़ना होगा। और इस तरफ आप देख सकते हो मैंने इतना काम कर दिया, मुझे कुछ कॉबलस्टोन के स्लैब्स चाहिए होंगे, और उसके लिए मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करना होगा। क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे है, क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से हमने उठा लिया और यहाँ पे रख दिया, प्लेस कर दिया। तो अब हमें इसमें देखना होगा कि कॉबलस्टोन के स्लैब्स कैसे बनते हैं। कॉबलस्टोन के स्लैब्स नहीं, मुझे कॉबलस्टोन के स्लैब्स चाहिए क्योंकि वो ना दिखने में अच्छे लगते हैं, सर्वाइवल हाउस के लिए वो बेस्ट है। कॉबलस्टोन स्लैब्स मेरे पास बहुत सारा कॉबलस्टोन है, तो मुझे, और हाँ, स्लैब्स के ऊपर ना कभी मॉब स्पॉन नहीं होते, तो अगर आपको कभी कोई चीज़ लगे, मुझे लगता है कि मुझे ना हमेशा स्लैब से ही घर बनाना चाहिए, घर का रूफ बनाना चाहिए, क्योंकि यार स्लैब से अगर हम बनाएंगे घर का रूफ, तो उसमें कभी भी मॉब स्पॉन होने का खतरा नहीं रहेगा। मतलब ऊपर से क्रीपर आके आपके आपके ऊपर अगर फट जाए तो उसका खतरा इसमें रहता नहीं है। तो यार ये करने के बाद हम मिलते हैं 5 मिनट। तो यार अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फार्मिंग करने के लिए एक अच्छा सा जगह मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब मैं जाके यहाँ पे सो जाऊँगा, क्योंकि यार रात को काम करना आपको पता ही है क्या हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पे जाके सो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो चीज़ बना, सॉरी, मुझे कुछ अजीब सा लगा, मुझे लगा कि वहाँ पे वॉन्डरिंग ट्रेडर आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, और यहाँ पे ये है। तो अब मैं इस लैडर को तोड़ दूंगा, क्योंकि यार इस लैडर का भी कोई काम नहीं है। टूट जा भाई, अरे यार मुझे यही चीज़ पसंद नहीं है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे जाके इसे लगा देते हैं। तो अब आप देख ले, अब देख लेना, सॉरी, आप देख लेना कि ये लगता कैसा है बस। हाँ, तब हम यहाँ से, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब मेरे पास कुछ स्टोन्स थे ना, हाँ, ये जो स्टोन्स थे, इन स्टोन्स को मैं यहाँ पे इस डर्ट ब्लॉक से चेंज कर दूँगा, यहाँ तक, यहाँ तक मुझे इस डर्ट ब्लॉक से इसको चेंज करना होगा, पूरे इतने जगह से उतने जगह तक जहाँ तक मेरा घर जाएगा, मतलब घर बनेगा। मैं डायरेक्ट डेकोरेशन में आ गया, मैंने अभी तक अपना घर बनाया ही नहीं, उसको एकदम काम के लिए किया ही नहीं, पर डायरेक्ट मैं उसमें डेकोरेशन कर रहा हूँ। ये मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए नहीं, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो पहले हम इस पूरे जगह को हम यहाँ से तोड़ देंगे, क्योंकि यार ये पूरी जगह हमारी काम की है। और मुझे इस एक्सपी टावर को हटाना पसंद नहीं है, पर हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि यार इस एक्सपी टावर से हमारे घर का लुक खराब होता है, तो उसे मैं ऑफलाइन में हटा दूंगा, क्योंकि यार वो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा और उसमें कोई इंटरेस्टिंग बात ही नहीं है। तो उस एक्सपी टावर का मैं बाद में हटा दूंगा, पर उसे हटाने के बाद जब हम हटाएंगे उस एक्सपी टावर को, तब उसमें ना बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि कहीं से भी वहाँ पे मॉब आ सकते हैं, क्योंकि यार आप सुनी लो ना, वो एक एक्सपी टावर है, उसमें मॉब नहीं आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, आप ही बोलो। तो पहले हमें इस पूरे एरिया को क्लीन करना होगा, जब तक हम इस एरिया को क्लीन नहीं करते, हम पूरे तरीके से अपना काम शुरू नहीं कर सकते। वैसे मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है कि मैं करूँगा कैसे, कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा, मेरे पास कुछ प्लान नहीं है। अगर आपके पास, ओए यही छोड़ो, इतने शायद हमारे पास हैं कि हम इस बार के लिए, मतलब इतने फ्लोर को तो कवर कर ही देंगे, मतलब मुझे लगता है। उसके बाद मुझे फिर से बनाने के लिए जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि मुझे कितना, 4 ब्लॉक तक बनाना चाहिए। मैं अभी देख लेता हूँ, मतलब देख के आता हूँ 4 ब्लॉक तक। हाँ, यहाँ पे मेरा ये है, यहाँ इससे अगर मैं देखूँ तो 4 ब्लॉक का मतलब कितना होता है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ स्लैब्स, 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 एक मिनट, स्लैब्स यहीं पे होना चाहिए थे ना। हाँ, इन स्लैब्स से कितने स्लैब्स बन जाएंगे मुझे पता नहीं है, मैं देखता हूँ। आप रुको, मेरे पास कितने स्लैब्स हैं भाई, हमारे पास 64 स्लैब्स हैं, कॉबलस्टोन के स्लैब्स हमारे पास बहुत सारे हैं। तो इनसे मुझे 4 ब्लॉक तक दूर तक बनाना होगा। तो पहले हम ऊपर की तरफ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 4 ब्लॉक दूर तक बनाने के बाद हम करेंगे क्या इसका। तो इसे को पूरा होने के बाद ना मैंने कुछ सोचा है, एक मिनट, मेरे पास थे ना कॉबलस्टोन के स्लैब्स, ये रहे, और इन्हें हमें 4 ब्लॉक दूर तक हमें इन्हें बनाना होगा। एक मिनट, कॉबलस्टोन के स्लैब्स लिया, एक, हाँ, एक, दो, और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, पर बहुत आसान भी नहीं है। एक मिनट, एक, दो, तीन, चार, 4 ब्लॉक्स तक ये बन तो चुका है, पर मुझे लगता है कि 4 ब्लॉक से ज़्यादा अगर हम बनाएं तो वो दिखने में अच्छा लगेगा, पर इस कर में हम अपडेट्स करते रहेंगे, आप टेंशन मत लो। तो पहले हम इतना काम तो कर देते हैं, पहले इसमें क्या है भाई, एक मिनट, इसमें ओ भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा लैपिस है, बहुत, यार फिर से कोई क्रीपर फूटा है शायद, मुझे लगता है, बहुत सारे रेडस्टोन भी है और कुछ डिफेंस के लिए चीज़ें भी हैं, और 8 डायमंड्स, यार 8 डायमंड्स से मुझे लगता है मुझे एक डायमंड का पिकैक्स बना ही लेना चाहिए। अब मेरे पास इतने डायमंड तो हो ही चुके हैं कि मैं एक डायमंड का पिकैक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलते बोलते गलती हो गई,
हाँ, तो मेरे पास इतने स्लैब्स तो हो ही चुके हैं, स्लैब्स नहीं, इतने डायमंड्स तो हो ही चुके हैं ना, जिससे कि मैं एक डायमंड का आर्मर बना सकूँ। मेरे पास 3 डायमंड्स और हैं। मुझे लगता है कि डायमंड का आर्मर बनाने से पहले मुझे एक डायमंड का स्वॉर्ड बनाना चाहिए, क्योंकि यार वो शायद ज़्यादा पावरफुल होगा, जब ज़्यादा काम का होगा, पावरफुल तो हर चीज़ ही होती है, वो शायद ज़्यादा काम का हो, पता नहीं। इस तरफ भी पहले हम पूरी तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे, और शायद घर आज ना बने पर घर का बेसमेंट आज ज़रूर बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि घर का बेसमेंट घर से पहले बन रहा है, धीरे से यहाँ पे ऐसे, और इसे हमें पूरी पूरा उस जगह तक, हमें इसे 1 मिनट, हाँ, तो हमें इसे पूरे उस जगह तक लेके जाना होगा, जो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यार आप ही बोलो कि हमें कोई छोटा मोटा काम तो करना नहीं है। हम बनाने बैठे हैं अपना घर, और इस बार मैं अपना पूरा का पूरा घर जब तक नहीं बना लेता ना, जब तक मैं मेरा पूरा घर नहीं बना लूँगा, तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। शायद नेक्स्ट वाले एपिसोड में भी हम अपना घर ही बनाते रह जाएँ, पता नहीं। पर ओ भाई, बच गया, पीछे ये था इसलिए मैं बच गया, वरना मैं नहीं बचता। यार ज़ॉम्बी, स्केलेटन, मॉब्स, जितने भी चीज़ें सब यहाँ पे आ रहे हैं। अगर कोई भी मेरे चेस्ट के पास आके फूट गया ना, धीरे से इसे भी लगा दिया, यहाँ पे भी, यहाँ से, ओ नहीं 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 हाँ तो ठीक ठीक किया। पहले मुझे ऊपर की तरफ जाना होगा, जल्दी से ऊपर चलो, ऊपर 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 ऊपर, हाँ अब हम ऊपर आ चुके हैं, तो अब हमें जो, धीरे से भाई। अरे यार ये हमेशा मेरे साथ ही होता है कि छोड़ो। हाँ तो मुझे इस डेड ब्लॉक को भी बाद में मैं कुछ करूँगा, और पहले मुझे इन चेस्ट को यहाँ से यहाँ पे हटाना होगा, वो काम बहुत मुश्किल है, वो मैं करूँगा ज़रूर। तो पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, और अपना टेम्प्रेरी घर यही है, जितना आप देख सकते हो इतना ही है शायद, बाद में हम अपडेट्स इसमें करते ही रहेंगे। तो मुझे इतना जब घर मैंने बना ली 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 नहीं 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 तो आ नहीं सकता। अरे निकल 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 तेरी अच्छी तैसे निकल। वक्त इसका मैंने जो ट्राइडेंट चुराया था वो इसी का बदला लेने के लिए आया है। तो इस वाले एपिसोड में शायद मेरा घर बनेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, अंदर से एक फीलिंग आती है, कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो पहले हम यहाँ पे कुछ स्लैब्स लगाते हैं, क्या मेरे पास कोई प्लान नहीं है। 1 2 3 और 4 ब्लॉक्स तक हम बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस बार भी 1 2 3 4। और यार जब अपना काम इतना हो चुका है, तब आप देख सकते हो हमें यहाँ पे 1 2 3, हमें बस इतना बनाना है, और इस बार यहाँ पे 1 2 3 4, इतना काम अपना हो चुका है, काम ख़त्म, पैसा हजम। तो इसे बनाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ स्लैब्स, मुझे ना ये 3 ब्लॉक का नहीं, अगर मैं 2 ब्लॉक का बनाता तो ज़्यादा अच्छा लगता दिखने में, पर ठीक है। अरे लगा ही था मुझे, इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा। तो पहले हमें इस घर को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ स्लैब्स लगाने होंगे, स्लैब्स नहीं, मुझे कुछ लगाना होगा। तो पहले मैं इस जगह को कंप्लीट करूँगा, कंप्लीट करने के बाद हम मिलते हैं, यार रुको आप लोग बस। तो यार अब आप देख सकते हो मैंने बहुत सारा काम कर दिया है, ये देखो मेरा घर काफ़ी काफ़ी कंप्लीट है। और मेरे घर का नीचे वाला जो बेडरूम था वो मैं सेम टू सेम बेडरूम मैं ऊपर वाले घर में भी कॉपी करूँगा, और जो एन्चेंटमेंट एरिया होगा वो मैं अब ऊपर नहीं बनाऊँगा, वो मैं नीचे बनाऊँगा। और नीचे की तरफ ये देखो यहाँ पे, यहाँ से एक सीढ़ी जाएगी नीचे जो मेरे, ओ तेरी तो, हाँ तो इस जगह को मैं कवर करूँगा। हाँ तो मैं जो कह रहा था कि एक सीढ़ी जाएगी नीचे की तरफ जो इस तरफ, अरे कौन मार रहा है भाई, कौन है तू, ओए तेरी तो, एक मिनट मैं दिखाता हूँ सबको, सब देखेंगे, एक मिनट, मेरे पास कुछ चीज़ थी ना, हाँ ये यहाँ पे, और इसे यहाँ पे दे दिया, बस बस अब भाई मार के दिखा तू मुझे, बस अब बस हो गया तेरा, अब मैं इसे मारूंगा। देखो भाई ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, तो इसे मैं अब मारूंगा, और अब तू भी, ये तो खुद ही से मर गया भाई। भाई इसको मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है, पर इसको तो मैंने खुद ही से मारा है, ये देखो सब मर गए। हाँ तो मैं तो कह रहा था कि मैं नीचे जो बेडरूम का इंटीरियर है वही मैं मेरे ऊपर वाले बेडरूम के इंटीरियर में कॉपी करूँगा। और ये देखो नीचे की तरफ देखो, पूरा ग्लास से बना है, मैं नीचे हर एक चीज़ देख सकता हूँ, नीचे कौन है, क्या कर रहा है, क्यों है, सब मैं नीचे देख सकता हूँ। और यहाँ पे 1 1 2 लगा दिए, और यहाँ पे भी सेम जैसा था मेरा पुराना वाला इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी था, जैसा था मैं बिल्कुल सेम बनाऊंगा इसे, क्योंकि यार मेरा पुराना वाला घर अच्छा था पर उतना अच्छा नहीं था कि मेरी सारी चीज़ों को हैंडल कर सके, पर ये घर हैंडल कर सकता है। बस मुझे इसका रूफ बनाना है जो मैं बाद में बना दूंगा, और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें काम करनी है, छोटी मोटी चीज़ें मुझे अभी यहाँ पे लानी होंगी, और मैं अपना एक बड़ा वाला फार्म बनाऊंगा। और नीचे की तरफ ना इस एफ के फिश फार्म को मैं थोड़ा सा पास में ले आऊँगा, और इस तरफ मैं एक बहुत बड़ा वाला शुगर केन का फार्म बनाऊँगा, एक बहुत बड़ा वाला शुगर केन का फार्म होगा मेरा अपना। और इस तरफ तो शुगर केन के फार्म्स हैं ही, पर इस तरफ मैं एक बहुत बड़ा वाला फार्म बनाऊंगा, और ये मेरा घर होगा। घर के ऊपर जो होगा ना, घर के ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक क्या बनाऊँ, एक टावर बना सकते हैं हम लोग, या फिर कुछ भी बना सकते हैं, वो आप लोग डिसाइड करो, बोलो कि मैं यहाँ पे बनाऊँ ना क्या, सॉरी मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ, बना तो मैं कुछ भी सकता हूँ, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग बोलोगे कि मैं बनाऊँगा क्या। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं कहता हूँ इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, टाटा सिवन सरनर। और अगर आपको मेरा घर का डिज़ाइन पसंद आया हो ना, थोड़ा सा भी कुछ भी अगर पसंद आया हो, तो या सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, और यार सपोर्ट की तो हमें ज़रूरत है, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, आप देख सकते हो कि बहुत सारा काम हमने कर दिया था उतने बहुत कम टाइम में, और इतना काम अब अभी भी रह रहा है, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना काम हमें करना होगा, कर सकते हैं हम लोग। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, टाटा सेवन सायोनारा।